नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। और क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम बात करें तो वहाँ लिखा हुआ है कि हमको मानांक स्वरूप दे दिया है। दिए गए मानांक स्वरूप को सामीप्य तथा अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करो। अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करना हमको किसको? मानांक स्वरूप को सामीप्य और अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करना है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं एक्स माइनस टू डेल्टा 0.001 खाली। तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स माइनस टू डेल्टा। अब इसमें हमको ए और डेल्टा को अलग अलग करना है। तो ए हमको पता क्या है, अगर ये माइनस में है तो ठीक है, अगर ये माइनस में नहीं होता तो हमारे लिए सवाल खड़ा होता। टू और डेल्टा हमको दिया हुआ है कितना, 0.01। ये माइनस में दिया हो तो ए प्लस में होगा, ये प्लस में दिया होता तो ए माइनस में होता, ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हम कहाँ चलेंगे, हमारे सामीप्य स्वरूप की तरफ। सामीप्य स्वरूप को क्या बताता है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे हम तो हमको पता चल जाएगा क्या बताता है। सामीप्य स्वरूप में होता है एन नियर हुड ए और डेल्टा। तो एन हमको कुछ नहीं लिखना होता, ए हमारे पास है टू और डेल्टा हमारे पास है 0.01। ये हमारा सामीप्य स्वरूप पूरा हो गया। अब चलते हैं हम अंतराल स्वरूप पर। तो अंतराल स्वरूप क्या दर्शाता है, क्या प्रदर्शित करेगा? अंतराल स्वरूप में ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, सूत्रों में कोई चेंजेस होंगे नहीं। ए हमारे पास कितना है, टू, तो टू माइनस 0.01 और टू प्लस 0.01, ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा। एक में से इसको माइनस करेंगे तो 1.99 हमारे पास यहाँ आ सकता है और यहाँ आएगा 2.01। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से क्या हो जाएगा, अंतराल स्वरूप। अब इसी के अंदर हम और दूसरा लेते हैं एक, और जहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ ले रहा हूँ, तो फोर के अंदर इसी का ही सेकेंड का फोर्थ है, वहाँ हमको लिखा हुआ है एक्स प्लस तीन लेस देन 0.15। एक्स प्लस थ्री 0.15 है वो हमको यहाँ दिया हुआ है। अब इसका अंदर ए कितना है, थ्री माइनस का, क्योंकि ये प्लस है तो ए माइनस में होगा, ये ध्यान रखना ही है। तो ये प्लस में तो हमारे पास ए माइनस में होगा। और डेल्टा कितना दिया हुआ, 0.15। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सामीप्य स्वरूप एन ए डेल्टा। अब मैं इसको आंसर यहीं लिख दे रहा हूँ पास में। एन कितना है हमारे पास, कुछ नहीं होता। ए कितना है, माइनस का 3। डेल्टा कितना है, 0.15। अब क्या करेंगे, अंतराल स्वरूप तो अंतराल स्वरूप की हम बात करें तो ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। ए कितना है, माइनस का 3, माइनस 0.15 कॉमा माइनस का 3 प्लस 0.15। जैसा इन लोगों ने बोला हमने सूत्र के अनुसार कीमत रख दी है। अब उसका सॉल्यूशन भी कर देना है, माइनस का 3.15, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। उसका एक माइनस एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 2.85। क्या हो जाएगा, माइनस के 3 में से 3 माइनस 0.15 करो तो 2.85 हमको यहाँ मिल जाएगा। तो वो हमको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है। अब इसी के लिए हमारे पास एक दूसरा है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर हमको ए नहीं दिया, डायरेक्टली एक्स ब्रैकेट 1/3 दे दिया। तो ये कैसे होगा, तो जैसे नॉर्मल होगा सवाल, यहाँ पर ए क्या है, नहीं दिया तो ज़ीरो मान लो। ए अगर नहीं दिया है तो हम उसको क्या मान लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। और 1/3 तो 1/3 डेल्टा है हमारा। सामीप्य स्वरूप क्या होगा इसका, एन
ए और डेल्टा, तो एन डेल ए की जगह 0 लिखेंगे और डेल्टा की जगह 1/3। अब अंतराल स्वरूप किस तरह से होगा, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। ए कितना है हमारे पास में, 0 माइनस 1/3, 0 प्लस 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 में से कुछ भी माइनस करो तो वही रहेगा, तो माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3, क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट यहाँ पर होगा नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, अंतराल स्वरूप में सामीप्य स्वरूप को मानांक और अंतराल में। अब ये सामीप्य था, मानांक था उसको सामीप्य में, अब हमको क्या दिया होगा, अंतराल स्वरूप दिया होगा उसको सामीप्य और मानांक पे प्रदर्शित करना है, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर